खाना वगैरह खा लिया हमने और यहाँ से निकलेंगे उसके बाद बस केदारनाथ इस पहाड़ी के पीछे। निकल चुके हैं गंगोत्री से अभी। रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ रही है, काफ़ी क्लियरिटी है और मौसम बहुत साफ है। सामने ये देखो, यहाँ बादल कितने नीचे आ रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यस, ये सामने देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छे हुए। उसके बाद आप सामने देख सकते हैं, ऐसे यहाँ के पहाड़ है और ऐसे यहाँ का मौसम हमेशा से ही रहता है। ये सामने अभी, हाँ ये देखो कैसे लग रहे हैं यार, इनकी हाइट बहुत ऊंची है यहाँ से। हम क्योंकि इस वक्त हम भी हाइट पे हैं तो हाइट टू हाइट मैच हो रही है, स्टिल हमसे ऊंचे पहाड़ है वो सामने वाले। सामने के यार ये देखो, ये रोड कितना छोटा, देखा तुमने कितना छोटा रोड है यार। अब सोने का टाइम आ गया ऐसा लग रहा है, बट सामने देखिए अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है भाई साहब। यार ये मैंने पहली बार देखा है ऐसा। यहाँ पे बारिश हो रही है अभी और यहाँ पे अभी बीच में एक मंदिर मिला है, भैरव मंदिर है, प्राचीन भैरव मंदिर। तो भैरव घाटी, तो यहाँ पे दर्शन करेंगे। अब बारिश आ रही है यार, पूरा फोन भीग गया दोबारा। चलो कोई नहीं, आता था उसकी बारिश की तो हमको प्राचीन भैरव मंदिर। इधर ही उतार दो चप्पल, इधर ये मंदिर। जय आनंद भैरव। ये मंदिर जा रहा है ऊपर की तरफ है, पहले फ्लोर पे तो आ गए। और ये मंदिर सामने रहा, देखो दर्शन कर लिए हमने, जा रहे हैं यहाँ से। जय भैरव। नीचे की सांस ले रहे हो यहाँ से सुन, तो ये क्या है, जन्नत जन्नत। अबे ये क्या है भाई, बादल इतनी नीचे आ रहा है, ये भाई साहब मजा आ गया। ये देखो ये कोई खाली जगह नहीं है, बादल है, पता लगे खाली जगह से सोच रहे हो। बादल है भाई, ये बादल, ये देखो बादल। पुल से जा रहे हैं अभी दूसरे रास्ते, दूसरे पहाड़ पे। ये क्या लंगा, हाँ अच्छे अच्छे जा रहे हैं। सो हमारी जर्नी वापस चालू हो चुकी है गंगोत्री टू केदारनाथ धाम की। हमें पता है कि आज हम इस गंगोत्री से केदारनाथ तक की यात्रा पूरी तो नहीं हो पाएगी हमारी आज की, बट हम जहाँ तक कवर करेंगे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। साथ ही साथ आप सामने देख सकते हैं एक खुले पहाड़ों वाला रास्ता आ चुका, जहाँ की सामने भी पहाड़ है, उसके साइड में भी पहाड़ है। और आप सामने देखिए ये बादल कैसे लग रहे हैं यार। एक ऐसा होता है ना कि सीनरी बनाते हैं जो हम, सेम वैसा ही सीनरी हमने रियलिटी में देखा है। आप सामने देखिए ये चीज़ क्या मस्त लग रहे हैं। और वहाँ तक तो जाएंगे नहीं शायद हम, किस तरह से वरदान मांग रही है कन्हैया से। गाड़ी चल दी अपनी। ये देखो बर्फ है यहाँ, क्या बर्फ है यार, छोटी छोटी बर्फ है, थोड़ी थोड़ी आएगी आगे और आएगी बर्फ।
बादल वादल वहाँ तक तो खैर रास्ते ही नहीं बने, आप सामने देख सकते हैं क्या रास्ते ही नहीं, यहाँ पे कोई रूट ही नहीं नज़र आ रहा। रास्ते में मंदिर पड़ा था, देखने आया है।